और बोकारो स्थित वेदांता समूह की कंपनी और ईएसएल स्टील लिमिटेड सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए लगातार कार्य करती है। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट आरोप के तहत सियालजोड़ा में ईएसएल स्टील लिमिटेड के संयंत्र के पास रहने वाले 100 तपेदिक रोगियों के लिए एक पोषण सहायता किट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मासिक लागत प्रति व्यक्ति 800 रुपए है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रोजेक्ट आरोग्य कार्यक्रम में लाभार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्ला, जिला क्षय रोग अधिकारी बोकारो ने कहा कि गरीबी खाद्य असुरक्षा, अल्प पोषण और भीड़ भाड़ तपेदिक टीबी के प्रमुख कारक है। भारत में कुपोषण इसका प्रमुख कारण है। वहीं भारत में सक्रिय टीबी के लगभग आधे मामले कुपोषण के कारण है। इसके अलावा अल्प पोषण इन रोगियों की प्रतिरोधी क्षमता को कम करता है, जो टीबी उपचार परिणामों के जोखिम को बढ़ा सकती है। इसलिए टीबी रोगियों के लिए अतिरिक्त पोषण संबंधी आवश्यकताएं जरूरी है। बता दें कि प्रोजेक्ट आरोग्य ईएसएल स्टील लिमिटेड की फ्लैगशिप हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, जो वह अपनी भागीदार कार्यान्वयन एजेंसी सिटीजन्स फाउंडेशन के सहयोग से चलाता है। कितना दूर है यहाँ से? पता नहीं, स्टेशन पार करने के बाद आधा घंटा लगा होगा। कितने दिन से तबीयत खराब है? 3 महीना दवा चला। अब ठीक है? अभी डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि साफ हो गया है? बोला है, साफ नहीं बोला। 3 महीना दवा खा, यहाँ कौन बुलाया? कितने दिन से है? हो गया 2 साल। और यहाँ पे किस लिए आए हैं? डॉक्टर कहाँ से आए हैं? कितना दूर होगा? 15-20 किलोमीटर। और कब से तबीयत खराब है? 5 महीने। तब दवा खा रहे हैं? क्या बोल डॉक्टर ने? बोल किसने बुलाया यहाँ पे? क्या बोला? और आकर